हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग बात कर रहे हैं, क्लास 9 का फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है और इसके लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के सोशल साइंस में नागरिक शास्त्र को। ठीक है, आज के इस वीडियोस में हम टोटल नागरिक शास्त्र को कम्प्लीट देखेंगे, यानी इसके अलावा और कोई भी वीडियोज आपको देख कर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। ठीक है, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ या टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, तर्क वाले, वितर्क वाले, या आपकी राय जानना चाहेंगे, इस तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा तर्क जो है लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, तो ये जो है अच्छा है, बिल्कुल अच्छी बात है। लोकतंत्र में सरकारी लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है सरकार, ये भी अच्छी बात है। लोकतंत्र की व्यवस्थाएं दूसरे की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, तो ये जो है सही नहीं है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोकतंत्र देश है तो दूसरे देश से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाइएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये सब अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, कौन सा देश है जहाँ महिलाएं मताधिकार से वंचित है। तो वो है सऊदी अरब, लेकिन अब नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो गैर लोकतांत्रिक देश कौन सा है, पाकिस्तान है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, तो ये है हमारा लोकतांत्रिक, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर भारत ऑप्शन रहेगा तो भारत आपको जवाब टिक आउट करना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। तो रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, ये जो है आपको अधिकार नहीं है। पानी जो है वो सार्वजनिक चीज़ है, आप इसको अपना नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस देश में आंग सान सूकी का संबंध था। तो म्यांमार से था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ावा देता है, ये बात सत्य नहीं है। लोकतंत्र सबको एक समान इज्जत देती है और सभी को समान अधिकार देता है। अगला सवाल है हमारा, सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है क्या कहलाता है। तो प्रजातंत्र कहलाता है। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि वहाँ की जनता अपने ऊपर खुद शासन करती है सरकार को चुनकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अगला सवाल है हमारा, आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। तो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त किया गया है। तो वो है 5 सदस्य। नेक्स्ट है हमारा, म्यांमार में किस तरह की सरकार है। तो सेना का शासन है। म्यांमार में किसका शासन है, सेना का शासन है। सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है, तो अलोकतांत्रिक शासन है। नेक्स्ट है हमारा, यूएन का कौन सा अंग देश के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। तो सुरक्षा परिषद। अगला सवाल है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो 192, लेकिन अब 193 हो चुका है। अगर आपके ऑप्शन में 193 होगा तो आप उसे टिक आउट कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किनके द्वारा की गई है। तो अब्राहम लिंकन के द्वारा की गई है। अगला सवाल है हमारा, 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया था। तो परवेज मुशर्रफ ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। अगला सवाल है हमारा, जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, तो वो लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, आपको उसे देख कर जाना होगा। सवाल है हमारा, कौन नागरिक सम्मान को बढ़ाता है, तो लोकतंत्र बढ़ाता है। कौन बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है, तो वो है लोकतंत्र। किस प्रकार के शासन व्यवस्था में लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होता है, तो लोकतंत्र शासन प्रणाली में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विश्व के दो लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए। तो एक भारत हो गया, एक इंग्लैंड हो गया। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र न्यायपालिका किसके पास है। कोई एक लोकतांत्रिक कार्य को लिखना है तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो होती है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, लोकतंत्र में शासन किसके हाथों में होता है, तो जनता के हाथों में होता है। आज अगर आप अच्छा काम नहीं कीजिएगा तो वो वोट देकर दूसरे नेता को जिता देंगे, तो इसलिए जनता के हाथों में ही होता है। अगला सवाल है हमारा, अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव की आधिकारिक नीति को क्या कहा जाता है। तो उसे हम रंगभेद कहते हैं। दुनिया के सभी देशों के साथ सम्मान व्यवहार हो इसलिए क्या आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ज़रूरत पड़ने पर सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को पैसा उधार देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, IMF अगर शॉर्ट फॉर्म में रहेगा तो इस तरह से रहेगा। ठीक है ना,
नेक्स्ट हमारा उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार लाने का प्रयत्न किया था, तो वो था हिटलर। क्या लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता है? बिल्कुल भी नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा संविधान से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो शासन का प्रमुख का नाम नहीं रहता है। अगला सवाल है हमारा साउथ अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ था? तो 26 अप्रैल 1994 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पंथ यानी धर्म निरपेक्ष का सही अर्थ कौन सा होता है? किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा होती है, इसीलिए उसे पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे प्रारंभ में। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अगला सवाल है हमारा नेल्सन मंडेला को जेल से कब छोड़ा गया था? तो नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ा गया था आपका 1994 में, ये याद रखना है। बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? तो निर्देशिक तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा देश का सर्वोच्च कानून क्या है? तो संविधान है हमारा देश का ही सर्वोच्च कानून कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा संविधान के सभी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है हमारा किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है? तो 24 घंटे के भीतर। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? स्वतंत्र भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। उद्देश्य यानी प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो उद्देश्य और प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यह संविधान का कौन सा निर्देश मूल्य है? तो वह धर्म निरपेक्ष होता है, इसीलिए संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास है? तो भारत के पास है। नेक्स्ट है हमारा भारत का संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है। अगला सवाल है हमारा किस देश को 1980 में अल्पसंख्यक गोरो शासन से मुक्ति मिली थी? तो दक्षिण अफ्रीका को। अगला सवाल है हमारा किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया था? तो 1976 में। अगला सवाल है हमारा भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसके अलावा हमारा अगला सवाल है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो नेल्सन मंडेला के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि भारत में संविधान निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता थे। प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जन प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो संविधान देता है, याद रखेंगे। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी आप लोगों को याद रख के जाना है। 1931 में गांधी जी ने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में किस पत्रिका को लिखा था? तो यंग इंडिया को लिखा था। ठीक है, अगला है हमारा राज्य के प्रभुत्व निर्वाचित व्यक्ति यह संविधान का कौन सा निर्देश मूल्य दर्शाता है? तो गणतंत्र को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा बिना किसी दबाव के लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार क्या कहलाता है? तो प्रभुत्व संपन्न कहलाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। दक्षिण अफ्रीका का गणराज्य नया झंडा कब लहराया गया? तो 26 अप्रैल 1994 को। ठीक है, किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो 1946 में, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्य के प्रमुख शक्तियाँ विधायिका शक्तियाँ प्रावधान कहाँ स्पष्ट होता है? तो लोकतांत्रिक संविधान में। संविधान के समय समय पर बदलावों को शामिल करने का प्रावधान को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं। नेक्स्ट है किस सूची के आधार पर भारत में केंद्र और राज्य के अधिकार समान रूप से सम्मिलित हैं? तो समवर्ती सूची के आधार पर। अगला है हमारा संविधान सभा में महिला सदस्य कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। संविधान सभा में महिला सदस्य सरोजनी नायडू थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान किस सन में लिखा था? तो 1928 में। नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे थे? तो 28 वर्षों तक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्ली भेद रंग विरोध का विरोध किया था? तो वो था नेल्सन मंडेला, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का एक महान राष्ट्रीय नेता जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया था, उसका नाम क्या था? नेल्सन मंडेला। ये दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी इसे कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा।
चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ या टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के साथ सीधे जुड़ सकते हैं। आप अपने प्लेलिस्ट पर जाकर अपने सभी क्लास के सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप क्लास 9 वाले फोल्डर में चले जाएंगे, वहाँ पर आपको आपकी क्लास के सभी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।